नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि हम किसी भी नंबर को देख के कैसे पता कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं। आज हम आपको ब्लोकनम मेथड, ब्लोकनम का मतलब देखते ही आंसर देना, वो तरीका बताने वाले हैं जिससे कि नंबर को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा देखते ही कि इस नंबर का स्क्वायर रूट कितना है। ये टेबल्स हमने बना के रखी हुई है इस वजह से कि बहुत ज्यादा टाइम ना वेस्ट हो। इसमें बहुत आसान सा तरीका है, इसको जो हमें याद रखना है कि अगर किसी भी कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे सपोज दैट यहाँ पे लिखा है 361, ठीक है, तो अगर यहाँ पे 1 या 9 अगर 1 या 9 है, इसका मतलब ये है कि जो वर्गमूल आएगा उसमें यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, ठीक है। अगर 2 या 8 आएगा तो 4 आएगा। अगर हम इसको देखें तो 1 एकम 1, मतलब 1 का स्क्वायर होगा तो भी 1 होगा, और 9 ने 81 तो भी 1 होगा। इसी तरीके से 2 और 8 अगर किसी भी नंबर में है तो जो स्क्वायर रूट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। इसको भी एग्जामिन करके देखें कि 2 दूनी 4 और 8 8 64 मीन्स अगर ये दोनों नंबर किसी भी नंबर में है तो 4 यूनिट प्लेस पे आएगा नंबर में, यूनिट स्क्वायर रूट में। अगर 5 है तो 5, इसी तरीके से 4 या 6 है तो 6 आएगा, 4 चौक 16 मतलब 6 6 36, दोनों ही कंडीशन में 6 आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी यूनिट डिजिट कौन सी है स्क्वायर रूट की। इसी तरीके से 3 या 7, 3 3 का 9, 7 7 49, इसको अगर आप बनाना चाहेंगे तो खुद भी बना लेंगे। आपको मालूम है कि अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 4 5 6 या 9 होना जरूरी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से अभी 1 अगर है तो 1 के साथ में 2 डिजिट जुड़ी हुई है, 1 एकम 1 और 9 ने 81। अगर 4 है तो 2 दूनी 4, 8 8 64, 5 है तो 55, 4 और 6 तो 6 6 36 और 4 4 16, इसी तरीके से 3 3 का 9 और 7 7 49। एक तो टेबल ये हो गई, आपको समझ में आ गई। अगर नहीं आई हो तो एक बार इसको फिर से बनाना अपने दिमाग से, ये इनको ध्यान में रखते हुए कि ये नंबर हमने कल आपको वीडियो में बताए थे कि ये डिजिट जरूरी है कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब अगर उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलने वाला है तो उसके लिए ये कंडीशन मस्त है। अभी इन नंबरों से आप इस टेबल को आराम से बना सकते हैं, और ये बनाने की टेबल आज जरूरत है क्योंकि हम आज सीख रहे हैं, अदरवाइज आपको देखते ही पता चल जाएगा। 2 ही तो चांसेस हैं, अगर यहाँ पे 1 लिखा है तो आइदर तो 1 होगा और या फिर 9 होगा यूनिट प्लेस पे, दो कंडीशन हो सकती है। तो ये देख के आपको 9 तक के चूंकि पता है इसलिए इस टेबल को आसानी से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरी टेबल बनी है, ये भी 1 से 9 तक के स्क्वायर आपको पता है। यहाँ देखें 1 से 3 तक अगर है, दो अगर कोई भी, हम पहले आपको बता दें कि जब भी किसी नंबर का वर्गमूल निकालते हैं तो उसको हम पेयर्स में डिवाइड करते हैं। इस विधि से 4 अंकों तक की संख्याओं का वर्गमूल निकाल सकते हैं, पहली चीज ये ध्यान रखें। अब 4 संख्याएं हैं तो ये 2 का 1 जोड़ा हो गया और ये 1 जोड़ा 3 का बना, यहाँ पे चौथी डिजिट नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे इस जोड़े में से हमने यूनिट नंबर को देखा और उससे हमें ये पता चल गया। अभी जो ये वाला नंबर है ये इसकी जगह पे कौन सा नंबर इधर आना चाहिए, उसके लिए ये वाली टेबल होती है कि 1 से 3 तक अगर नंबर है तो 1 आएगा। कैसे? क्योंकि 1 एकम 1 और 2 दूनी 4 है, 1 का स्क्वायर ये है, 2 का स्क्वायर ये है, 3 का स्क्वायर ये है, 4 का स्क्वायर ये है, 5 का स्क्वायर ये है, 6 का स्क्वायर ये है, 7 का स्क्वायर ये है, 8 का स्क्वायर ये है और 9 का स्क्वायर ये है। तो ये टेबल बहुत आसान है कि अगर 1 से 3 है तो 1, 4 से 8 तक है तो 2, अगर 9 से 15 तक है तो 3, 3 3 का 9,
अगर इससे छोटा है तो इसका मतलब पीछे वाली संख्या आएगी। अब अगर यही टेबल में हम यहां पर देखें तो यहां पे दो दूनी तो चार होता है, तो चार से तो यह संख्या छोटी है, इसलिए दो के स्क्वायर से नीचे कौन सा स्क्वायर आता है, एक का। तो आइदर तो ये स्क्वायर जो है वो 11 का है और या फिर ये 19 का है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। एक टेबल से हमने यूनिट प्लेस के नंबर पता कर लिए, इसमें दो संभावनाएं थी, आइदर तो एक होना चाहिए था चूंकि यहां पे एक है, और या फिर 9 होना चाहिए था। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। उसके बाद हमने देखा यहां पे 3, तो 3 से पहले कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका स्क्वायर आता है, तो 3 से पहले तो एक ही होता है, 3 तक, 3 या 3 से पहले तो एक होता है। तो इसका मतलब यहां पे ये तो ये 19 का वर्ग है और या फिर ये 11 का वर्ग है। वो जो कंडीशन हमने आपको बताई थी उन कंडीशन से आप इसको एक बार जांचना चाहे तो फिर से जांच लें। इसमें जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो 1 है, ये उस कंडीशन को फुलफिल कर रही है। दूसरा 7 और 3 10, इसका अगर बीजांक निकाले तो वो 1 है, तो ये दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रही है। 0 यहां पे है नहीं, तो वो कंडीशन हमने चेक कर ली। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसमें दो संभावनाएं हमको मिली, आइदर 19 या फिर 11। अभी बहुत छोटा सा काम एक और है कि ये जो नंबर है इसको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 2, ये जो 2 है उसको इससे कंपेयर करें, ये 3 2 से बड़ा है, ध्यान रखें ये 3 इस 2 से इसका जो मल्टीप्लिकेशन किया और बराबर 2 आया, ये 2 जो है इससे छोटा है, ये नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, इसका मतलब बड़ा वाला नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, एक और उदाहरण से समझते हैं इसको। एक और उदाहरण ले लेते हैं, पहले इसको आप उस एंगल से देख लें। यहां पर 6 हमने लिखा हुआ है, 6 इस टेबल में भी आता है, इसका मतलब ये कंडीशन पास कर रहा है। दूसरी कंडीशन 6 और 7 13 13 और 5 18 18 का मतलब 9, मींस ये दूसरी कंडीशन भी पार कर रहा है बीजांक वाली, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग है। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसको हमने 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर 6 है तो 6 का मतलब कौन सा होगा, आइदर तो 36 या फिर 4 × 16, तो या तो यहां पे 4 हो सकता है और या फिर यहां पे 6 हो सकता है, 2 में से कोई एक डिजिट हो सकती है। ठीक है, अब दूसरी देखिए 5, तो 2 × 2 = 4 होता है। ठीक है, ये 5 है तो 4 से लेकर के 3 त्रिका 9 से पहले 8 तक जो संख्या आती है वो आती है 2, तो यहां पर भी लिख दिया और 2 यहां पर भी लिख दिया। अब हमें ये एग्जामिन करना है कि कौन सा वाला डिजिट इसमें से सही आंसर है, तो 2 × 3 में करें, आंसर आया 6। अब इसको कंपेयर किया, 6 से ये 5 छोटा है, 6 से ये 5 छोटा है, इसका मतलब ये है कि ये 24 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एक और उदाहरण के थ्रू और क्लियर करने की कोशिश करते हैं, कुछ थोड़ी सी एक बड़ी डिजिट ले लेते हैं क्योंकि ये 4 नंबर तक की डिजिट का वर्गमूल निकालने में हेल्पफुल है, तो एक 4 डिजिट का नंबर और ले लेते हैं। ये इसको हम देखेंगे तो ये सारे दोनों नियमों को पास कर जाएगा, 4 भी आ रहा है और यहां पर बीजांक अगर देखेंगे तो 9 हटा दीजिए, 5 × 4 = 9 इसका बीजांक भी है। अब इसके आगे की कहानी देखें तो इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब यहां पे 4 है, 4 का मतलब 2 या फिर 8, यह तो यूनिट प्लेस में इसके स्क्वायर रूट में 2 होगा या फिर 8 होगा। ठीक है, अब यहां पे इस डिजिट की बात करते हैं तो 36 से 48 तो 6 होता है और 49 से 63 में 7 आता है, तो आइदर तो ये 72 होगा और या फिर ये 78 होगा। बहुत सिंपल, इसका अगली डिजिट से गुणा किया, 7 × 8 = 56 आ गया 56। अगेन हम देखें कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो 51 छोटा है, 56 बड़ा है। अगर ये छोटा है तो फिर छोटा वाला नंबर जो है वो
वर्गमूल होगा। तो ये विलोकनम मेथड है कि आप देखते ही एक सेकंड में इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा आपको 15-20 मिनट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद में आप एक सेकंड में देखते ही ये बता पाएंगे कि इसका वर्गमूल किसी नंबर का कितना है। ये परफेक्ट नंबर का वर्गमूल आज हमने आपको सिखाया था, कल हम आपको उन नंबर का भी वर्गमूल निकालने, वर्गमूल तो किसी का भी निकालने के लिए आ सकता है, तो कल हम आपको उन नंबर का वर्गमूल निकालना बताएंगे जिन जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए इसी तरीके से यूजफुल वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।